नहीं, मैं बहन को फोन कर देता हूँ। अरे पागल हो क्या, फोन क्यों कर रहे हो उसे? नहीं यार, वो मेरे पे विश्वास करती है, कल को कहते कि तूने मेरी। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे के। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो की रिएक्शन है ना वो बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, क्योंकि मैं प्रैंक करने वाली हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई पे यार। तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के रिएक्शन जबरदस्त आने वाले हैं। आज मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया उसके भाई को, तो क्योंकि मेरा घर आना जाना रहता है, उनके डेली आना जाना चलता ही रहता है यार। तो इसके रिएक्शन देखते कैसे आते हैं। मैं फोन करके बुला रही हूँ, कहाँ पहुँच गया कहाँ नहीं, स्पीकर पे फोन कर रही हूँ यार। अजीब सा ही होने वाला है प्रैंक, पता नहीं क्या होने वाला है। हेलो, कहाँ पहुँचे? मेट्रो। यार कितनी देर में आ रहे हो? जल्दी आ जाओ वरना तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी। आओ। तो यार इस बंदे की ना शादी फिक्स हो गई, अब बात की है, और मैं उस पर बहुत ही महाभारी तगड़ा सा प्रैंक करने वाली हूँ। वेट करते हैं उसका 5-6 मिनट। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यूसी ब्राउज़र के बारे में। सो गाइज, यूसी ब्राउज़र के बारे में तो आप सबको पता ही है। आज मैं आपको यूसी मिनी एक्टिविटी के कुछ रूल्स बताने वाली हूँ, जहाँ 500 रुपये प्राइज़ आप जीत सकते हो ईजिली। कुछ टिप्स है बस, जिन्हें आपको फॉलो करना है। सो गाइज, टिप नंबर 1 ये है, इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के थ्रू व्हाट्सएप। ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। और टिप नंबर 2 ये है, आप इसे अपने फ्रेंड से विजिट करा सकते हो एक्टिविटी पेज को यूसी ब्राउज़र के। अगर किसी के पास यूसी ब्राउज़र नहीं है तो आप विजिट कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे और इसे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। अब आप खुद और अपने दोस्तों से इसमें इनविटेशन कोड एंटर कराओ और आपको कैश मिल जाएगा पर इनवाइटिंग पे। सो अपने फ्रेंड से आप इनवाइट करा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिनिमम 500 रुपये चाहिए अपने नेक्स्ट डे रिडीम करने के लिए। और अगर आपके पास कैश नहीं है, 500 रुपये नहीं है, तो नेक्स्ट इन 24 आवर्स आपका कैश क्लियर हो जाएगा और अपना गेम आप रिस्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज, देरी किस बात की, चेकआउट करो यूसी ब्राउज़र को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया। देखा क्या नहीं तुझसे, आए देखा तुझको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे। यार फोन नहीं आया अभी तक। हेलो, कहाँ पहुँचे? हाँ हाँ, ये यहाँ आ जाओ, आ जाओ फटाफट। अरे कैमरा हाइड कर लेना, कैमरा हाइड कर लेना, उसको पता मैं प्रैंक्स करती रहती हूँ, प्रैंक वाले किसी के सगे नहीं होते हैं। क्या हाल चाल? बढ़िया, बैठो। बड़े लोग आ गए, आज तो शादी होने वाली है, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन यार मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी शादी से, बस नहीं हूँ, कुछ रीजंस है। और बताओ प्रीति कैसी है? बढ़िया, मिली नहीं ना, एक दो दिन हो गए, और मैं मम्मी से मिलने भी नहीं आ पाई घर पे, वही शूट वूट के चक्कर में थोड़ा बिजी चल रही हूँ आजकल। अजीब नहीं लग रहा मैंने तुम्हें मिलने बुलाया ऐसे अकेले में? लग तो रहा है, टेंशन से हो गया दिमाग में, सोच रहा हूँ क्या बात है। बुला यार, ये भी कहा बहन को मत बताना। हाँ बहन को क्यों बताऊंगी, कुछ कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती है ना, हम दोस्त हैं ना अच्छे। दोस्त है वो? नहीं है दोस्त, हम अच्छे। बहन कह रही थी कहाँ पे जा रहा, मैंने कह दोस्त के साथ जा रहा हूँ। सही है, तुमने नहीं बताया वरना मुझे मारती हो, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ ना। यार वो तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है ना, तो तुम सीरियस हो क्या? क्यों? करना चाहते हो क्या शादी वादी? क्या करोगे शादी करके? शादी है बर्बादी यार, वो तो नेक्स्ट डायलॉग है, मतलब शादी करके पछता गया। हाँ वो तो ना कि जैसी बात है, घर वाले कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं ना, तुम्हारी क्या राय है? गरीब राय है, घर वालों जैसे घर वाले मानो जैसे मन में। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो जो तुम्हारी बंदी है ना, जिससे तुम्हारे साथ एक दो साल से रिलेशनशिप में, अब तुम शादी कर रहे हो, वो बंदी ना तुम्हारे लिए सही नहीं लगती मुझे। मैंने ना देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की है, वो बंदी सही नहीं है तुम्हारे लिए, करेक्टरलेस बंदी है। पता तुम्हें 4-5 बॉयफ्रेंड्स है उसके। यार उसके 4-5 बॉयफ्रेंड्स है यार, मतलब तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? यार मैं उसे 2.5 साल से रिलेशन में उसके साथ। 2.5 साल से हो ना, कुछ चीज़ें तुम्हें पता नहीं है ना, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। आप कैसे जानते हो उनके बारे में? देखो यार, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, इसलिए मैंने तो इंक्वायरी की, सारा कुछ चिट्ठा निकाला उस बंदी का। बोलते वो लड़की ना सही नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे को ना उस बंदी के ना 3-4 बॉयफ्रेंड से मैंने पता लगाया है, वो बंदी ना फर्जी है यार, फेक। तो मैं ऐसे कह रही हूँ, उससे शादी वादी छोड़ के ना तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो यार दोस्त पति पत्नी में भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं ना।
मैं अपनी बहन से बढ़कर मानता हूँ तुम्हें यार। बहन? आज के टाइम में भाई बहन कौन होता है यार, दोस्त है हम अच्छे यार। मैं तो हमेशा दोस्त समझती हूँ तुम्हें, तुम मेरे दोस्त मैं तुम्हारे दोस्त। तो यार मतलब मैं ये चाह रही हूँ ना कि हम लोग शादी कर लेते हैं ना, मन में फीलिंग्स है पता है, रोज आना जाना घर पे तुम्हारे, तो एक अटैचमेंट सी हो गई है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ तुम शादी ना करो। यार, शादी करके क्या करोगे, पछताओगे सही यार। वो ऐसी लड़की है देखो, उसके साथ क्या 2 साल का रिलेशन होता है यार। हम तो 10 साल साथ रहेंगे ना, पहले साथ रह लेंगे, 10 साल फिर बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर शादी कर लेंगे। मैं वो बहन को फोन कर देता हूँ। अरे पागल हो गया, फोन क्यों कर रहे हो उसे? नहीं यार, वो मेरे पे विश्वास करती है, कल को कहते कि तूने मेरी फ्रेंड पर गंदी नजर डाली, बहुत सवाल उठते हैं यार, अच्छे नहीं लगता। अब मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ यार। देखो तुम इतने शरीफ नहीं हो, मुझे पता है, ठीक है, तो मुझे भी पता है। क्या करोगे शादी करके यार, मुझसे कर लो ना शादी। मैं अभी तुम्हारा रिश्ता खत्म करा देती हूँ, मैं अभी मम्मी को बोल देती हूँ कि भाई ये लड़का मुझ पर प्रपोज कर रहा है, ठीक है, अभी पब्लिकली सबके आगे बोल रहा है आई लव यू, शादी वादी कैंसिल कर दो अपनी, मैं बता रही हूँ, सही नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसा मत करो यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ यार, 2.5 साल से रिलेशन में हूँ। मेरा क्या, मैं भी तो तुमसे प्यार करने लग गई यार, मैं उसके लिए आधे आधे रात को रोया उठ के यार। तो मेरे लिए, मैं तो तुम्हें रोने भी नहीं दूंगी, मेरे लिए रो लेना अगर मन करे तो कभी कभी थोड़ा सा। यार देखो हाइट भी सही है और अच्छे भी लगते हैं हम लोग साथ में, तो हम हो जाते हैं ना, एक क्या दिक्कत का रही है यार। ठीक नहीं है, बहुत सही है। देखो तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद करती है ना, तुम्हारी बहन की मैं बेस्ट फ्रेंड होगी, तो तुम्हारी मम्मी भी मुझे पसंद करती है, पापा भी, और वो हमेशा से बोलते थे कि रिट्स जैसी बहू चाहिए हमें, रिट्स में क्वालिटीज है, तो बोलते हैं ना। तो यार मैं ही तुम्हारे घर आ जाती हूँ ना, और तुम्हारी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो गई, देखो कितना अच्छा रिलेशन हो जाएगा। छोड़ो ना उस लड़की को, और वो लड़की है भी नहीं यार, उसके 3-4 बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं बता रही हूँ। वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं तुम्हारे लिए, कोई प्यार व्यार नहीं करती वो तुमसे, वो है कहते हैं ना दोगली, वो दोगली है, मैं बता रही हूँ, भड़का रही है वो तुम्हें। और तुम्हें शादी के बाद मैं पक्का श्योर हूँ वो क्या करेगी कि तुम्हें भिड़ा भिड़ा के, और मतलब माँ बाप को अलग कर देगी, अलग घर पे तुम्हारे साथ रहेगी, तुम मम्मी पापा से भी अलग कर देगी। तो तुम्हें एक लड़की के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़नी है क्या, मम्मी पापा छोड़ने हैं क्या, और मेरी जैसी लड़की छोड़ दोगे? कुछ तो बोलो यार, हो जाते हैं ना हमें। तुम मेरे घर मत आओ। तो मैं तुम्हारी अभी बहन को फोन करके बोल रही हूँ कि ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं बता रही हूँ यार। मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, मैं कहूँगा जब मेरी बहन नहीं मानेगी, और तुम भी कह रहे हो यार वो भी मानेगी, तो वही तो कह रही हूँ ना, भैंस सबको आग लगाओ, बस हम लोग साथ में हो जाते हैं। देखो अगर तुम नहीं माने ना, तो मैं तुम्हारी बहन को भी फोन मिला के ये बोल दूंगी कि ये तेरा भाई मुझे ऐसे ऐसे गंदी नजर से देख रहा था, और मेरे को प्रपोज कर दिया इसने, आई लव यू बोला आज, और ये सब हुआ है, शादी तो वैसे ही टूट जाएगी तुम्हारी। और उस लड़की को भी फोन करके बोलूंगी आज, वरना वो उनको पता लग जाएगा ना तुम मुझसे अकेले में मिलने क्या करने आए हो। क्या ये तो बता दो मेरे में, देखा क्या ना मैं कमाता ना, मैं कमाते नहीं, शादी कैसे करो? कोई नहीं, मैं कमाऊंगी ना यार, मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, तो मैं अच्छा कमाऊंगी, तो हम तुम हाउस वाइफ बन के रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम थोड़ा घर के काम वाम कर देना, और मैं कमाऊंगी, तुम्हें पैसे दूंगी हाथ में। जनरेशन चेंज हो चुकी है ना, क्या दिक्कत है, कितना खूब मतलब सुकून में जिंदगी कटेगी यार। मेरे से अच्छे मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा अच्छे। नहीं यार मुझे तुम, मुझे वो लड़की छुड़वानी है, वो घटिया मगरमच्छ के आंसू वाली लड़की ना, मुझे वो डायन को तुमसे दूर करना है। बैठ तो जाओ, एक बार बैठ के तो बात कर लो यार, तो नहीं मानने वाले क्या तुम? पक्का आज तुम्हारे मम्मी पापा को मैं फोन करके, रुको आज ये बताऊंगी कि ये लड़का मुझ पर लाइन मार रहा था, मैं इतने दिनों से घर आ रही हूँ और इसकी गंदी नहीं आता मुझ पर, इतने जूत पड़ेगा ना तुम्हारे सर पे, फिर पता चलेगा तुम्हें। मैं जा रही हूँ आज, तुम्हें तुम्हारी सारी चीजें बताती हूँ भैया, अब यही बताऊंगी ना, तुम मान नहीं रहे ना, अब करना पड़ेगा मुझे वो काम भी, या तो तुम आसानी से मान जाओ, मैं वहाँ 5 मिनट खड़ी हूँ, 5 मिनट में सोच के बता दो कि रहना साथ नहीं रहना, और लड़की को छोड़ना नहीं छोड़ना। अब रोने वाली क्या जरूरत है इसमें, उससे बहुत प्यार करते हो, तो किसने बोला मत करो प्यार, करो मुझसे भी कर लो। नहीं दो नहीं चलानी यार, एक के साथ ही शादी करना है तो करो ना। मैं उसके साथ सोचा तुम पे प्रैंक कर दो, सामने कैमरा लगा हुआ यार, चार्ज दरबार में प्रैंक करते यार, देखो कैमरा लगा हुआ तेरे सामने, हाय कर दो। अब पहली बार तुम कैमरे के आगे रो रहे हो, देखो हाय कर दो जल्दी जल्दी, हाय। और सुनो शादी कर लो, आऊंगी मैं शादी में, मैं तो मजे ले रही थी तुम्हारे, मैंने कहा आज बेस्ट फ्रेंड के भाई का भी प्रैंक किया जाए, क्यों ना किया जाए, मजा बहुत आता है यार। तो वो शक करती रहती है, वो शक करेगी, अब नहीं करेगी वो शक, मैं कुछ नहीं कर रही ना, मैं तो मजाक कर रही थी ना, मजे ले रही थी तुम्हारी, ले ली मतलब आज तुम्हारी मैंने ले लिया आज। चलो चलते कुछ खाने चलते आ जाओ।